18 न्यूज चैनल अप नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। 25,000 का बांछित इनामी अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। अमेठी में लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर रखते हुए अपराध पर अंकुश लगाने व अपराधियों के धर पकड़े हेतु पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम के परिवीक्षण में व पुलिस अधीक्षक व एसटीएफ आलोक सिंह के निर्देश में व पुलिस क्षेत्र अधिकारी सूर्य प्रकाश के कुशल नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर बरसों से फरार चल रहा 25,000 का इनामिया अपराधी ब्रजेश कुमार सिंह को कोतवाल देवेंद्र कुमार सिंह में पुलिस बल के साथ दबिशवा घिराव कर गिरफ्तार कर भेजा जेल। हम आपको बता दें कि अमेठी जिले के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम के परिवीक्षण में पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आलोक कुमार सिंह के निर्देश में पुलिस क्षेत्र अधिकारी सूर्य प्रकाश के कुलश निर्देश में लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार शाम लगभग 7:30 बजे उप निरीक्षक व एसटीएफ लखनऊ को मुखबिर से सूचना मिली कि वर्ष 2015 में वंचित रह रहे 25,000 का इनामिया अपराधी ब्रजेश कुमार सिंह कदू नाले पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक देवेश कुमार सिंह में पुलिस के बल के साथ क्षेत्र के कदू नाले पर घेराबंदी करके पुलिस बल का प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त के पास से तलाशी में एक अदम 315 तमंचा व 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम ब्रजेश कुमार सिंह पुत्र हरक बहादुर सिंह निवासी करपिया थाना कोतवाली मुखबिर और खाना अमेठी बताया है। 25,000 के इनाम अपराधी के बारे में सीओ सूक्ष्म प्रकाश ने बताया कि अभियुक्त ब्रजेश कुमार सिंह के विरुद्ध कोतवाली मुखबिर खानाबाद बदलापुर में कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। ये एसटीएफ लखनऊ और थाना मुसाफिर खाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास करके अभियुक्त ब्रजेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये थाने से एचएस है तथा इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी है। ये काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, जिसको काफ़ी प्रयास करने के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर अमेठी जनपद और बाहर के भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं। कुल 11 मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं। क्या बरामदगी हुई? इसके पास से एक तमंचा और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। प्राइम 18 न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश अमेठी से संजय यादव की रिपोर्ट।